अलग से 3200 आप लोग देख सकते हैं, काफी नए कंडीशन में है क्योंकि तो एक साल यूज हुआ है। और ये रहा अपना मिक्सर साउंड ब्रिज का, और ये आहूजा का 500 देख सकते हैं, 500 EM ये भी बिक रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो भाई आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि सेकंड हैंड का वीडियो होने वाला है भाई। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा एलेक्सा 3200 स्टेंजर 500 और आहूजा का भाई फर्स्ट टाइम आहूजा का एम्पलीफायर आया है जो कि बूस्टर है, उस पर आप लोग माइक वाइक एकदम इजिली चला सकते हैं। और उसके साथ 6 टॉप है और 2 12 इंची और बहुत ही अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। जिस भाई को खरीदना है वीडियो के लास्ट तक बना रहे। और जो एलेक्सा 3200 भाई एक साल का पुराना मशीन है, एकदम न्यू है, उसको मैंने ही खुद खरीदवाया था जो कि 3200 से खरीदवाया था भाई, और बहुत ही अच्छे कंडीशन में। जिस भाई को लेना है बिल्कुल सेटअप ले सकता है, लेकिन वीडियो लास्ट तक आप लोग वॉच करें, आप लोग को वीडियो में नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा भाई आहूजा एलेक्सा 3200 जो कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे, बहुत ही अच्छे कंडीशन में ये एम्पलीफायर है जो कि इसको 11 महीना हुआ चलाते हुए, जो कि मैंने खुद भाई को बाय करवाया था नवंबर में, और अभी नवंबर आने में 1 महीना है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और आप लोग मिक्सर जो देख रहे हैं साउंड ब्रिज का है, बहुत ही अच्छा मिक्सर है भाई क्योंकि मैंने यूज किया, बहुत ही अच्छा चल रहा था। और स्टेंजर 501 भी है, इसके साथ आहूजा का भी मशीन है जो कि मैं आप लोग को भी डिस्प्ले करा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। और हाँ भाई, आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसको जांच पर रख लीजिए, अच्छे से बजा लीजिए, उसके बाद खरीदिए, क्योंकि हर किसी के सुनने का क्षमता अलग अलग होता है। तो आप लोग एकदम अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद खरीदें, क्योंकि हमेशा कोई लाखों खर्च करके सामान नहीं खरीदता है। तो कोई सामान आप लोग ले रहे हैं तो उसको चेक कर लीजिए एकदम अच्छे से कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अपने साथ कम से कम 2 से 4 लोगों को लेके जाएं जो इस लाइन में हो, और अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले पूछ लें कि भाई ये मशीन अच्छी चलती है कि नहीं चलती है, उसके बाद आप लोग बाय करें, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में गलत सामान उठा लेते हैं। तो जिस भाई को सेटअप की आवश्यकता हो वही भाई ये बाय करें, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, आप लोग को नंबर मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। और ये रहा आप लोग आहूजा का देख सकते हैं जो कि बूस्टर एम्पलीफायर है, इससे आप लोग इजीली 8 यूनिट चला सकते हैं जो कि माइक में, और इससे आप लोग ट्विटर बजा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा इससे ट्विटर बज जाएगा, जो कि बूस्टर मशीन होती है, इसमें फैन नहीं लगता है। और ये आप लोग कितना भी गर्मी हो एकदम ईजिली चलता है बिना किसी दिक्कत के। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो सेटअप बने रहे, अभी आप लोग का टॉप दिखाते हैं जो कि 450 वाट के स्पीकर लगे हैं उसमें, उसमें 3 टॉप आप लोग को मिलेंगे जिसमें HF लगा है, और उसमें 3 टॉप मिलेंगे देसी, जो कि देसी वाले में आप लोग जानते हैं ट्यूटर नहीं लगता है हमारे यहाँ, तो आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में है। और उसमें 2 12 इंची भी है, और जिसमें पेंजा आइडो का स्पीकर लगा है। और ये रहा आप लोग देख सकते हैं स्टेंजर का 501, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है जो कि चल रहा है अभी तक। और भाई मुझे ये नहीं पता वो दिल्ली है या कोलकाता, आप लोग जाएं तो ज़रूर एक बार चेक करें दिल्ली वाला मशीन था या कोलकाता वाला, क्योंकि मैं जब गया था थोड़ा जल्दबाजी में था, वहाँ से निकल आया। और आप लोग लेने जा रहे हैं तो कन्फर्म करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा वही कन्फर्म नहीं कर पाया क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तब देखा मुझे तो लग रहा है कोलकाता है, बट आप लोग एक बार चेक करिएगा, दिल्ली भी निकल सकता है, क्योंकि दिल्ली वाले में रहेगा तो मास्फेट लगा रहता है, और कोलकाता वाले में आप लोग जान ही रहे हैं मास्फेट रहता है, थोड़ा टेम्प मारने का संभावना ज़्यादा रहता है। और आप लोग फ़ैन देख सकते हैं अलग से 3200 का, एक भी फ़ैन चेंज नहीं हुआ है, जो कंपनी से लग के आता है वही लगा है। तो आप लोग बिल्कुल बिना हिचकिचाए अलग से 3200 और सेटअप जिस भाई को आवश्यकता हो वही खरीदे। और आप लोग देख सकते हैं भाई अभी तक जो गत्ता होता है उसको एकदम सेफली रखे हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं सब बार कोड सीरियल नंबर एलेक्सा 3200 जो भी होता है सब कुछ इसी में पड़ा हुआ है। तो आप लोग को आवश्यकता है एलेक्सा 3200 का और पूरे सेटअप का, तो आप लोग एक बार भाई के यहाँ जाए चेक करें, उसके बाद बाय करें, जो कि आप लोग जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपको उसका क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं होगा। और ये रहा भाई आप लोग देख सकते हैं जो कि 3 टॉप और 2 12 इंची भाई ने चेक करवाया और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग जाएँ तो एक बार चेक करें उसके बाद बाय करें। और इसमें पेंजाइडो का स्पीकर लगा है जो कि 92, आप लोग नेट पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं क्या क्या है, 3 इंची क्वाइल है, सब कुछ आप लोग को इजीली मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग को इसका थोड़ा साउंड चेक सुनाते हैं, और साउंड चेक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जनरेटर चालू हो गया है और हम लोग चेक करेंगे, ये रहा जो कि 3 टॉप चेक करेंगे,
और ऊपर 12 इंची रखा हुआ है और स्टॉप में ट्यूटर लगा है और ये पेंजा का स्पीकर है, पेंजा का आप लोग देख सकते हैं 92A। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं और आप लोग को पीछे दिखाते हैं क्या क्या लगा है। एलेक्सा 3200 साउंड 501 और वो भी सामने जो रखा है वो भी बिक रहा है। तो चलिए चेक कराते हैं। और JBL का ये लगा हुआ है भाई, लोगों आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग चेक करते हैं और उसका क्वालिटी बताते हैं आप लोगों को कैसा है। और 12 इंच आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। ये रहा पेंजा आइडियो, इसमें भी पेंजा आइडियो का 200 वाट का स्पीकर लगा है जिसमें मीट बहुत अच्छा आता है। और जनरेटर से चेक किया जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है। और चेक करते हैं, ये रहा आप लोग देख सकते हैं ये वाला टॉप, जो कि इसमें भैया जाली नहीं लगाए हैं। यदि आप लोग बाइक करते हैं तो इसमें जाली लगा सकते हैं। जो कि चेक किया बहुत ही अच्छा इसके रिस्पॉन्स रहा। और अपना एलेक्सा 3200 आप लोग देख सकते हैं काफ़ी नए कंडीशन में है क्योंकि एक साल यूज हुआ है। और ये रहा अपना मिक्सर साउंड ब्रिज का और ये आहूजा का 500 देख सकते हैं, 500 EM ये भी बिक रहा है। और भाई ये रहा पता, आप लोग देख सकते हैं नारायणपुर पूरा आप लोग एकदम देख सकते हैं। और ये रहा भाई आप लोग नंबर, आप लोग नंबर स्क्रीन शॉट मार सकते हैं और भाई से कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं। जो कि इस सेटअप का दाम 1,55,000 भाई मांग रहे हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ भाई को बेचना है तो कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ज़रूर। और केवल मशीन के लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि आप लोग एलेक्सा 3200 देखकर बहुत ज़्यादा फ़ोन करेंगे, तो मशीन के लिए फ़ोन ना करें। यदि किसी को भाई को पूरा सेट चाहिए तो बिल्कुल आप लोग खरीद सकते हैं। एक बार पता और आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर और नाम आप लोग देख सकते हैं, जो कि विष्णु जी के नाम से है। आप लोग इनसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में है। और ये रहा अपना आहूजा और एकदम न्यू कंडीशन में और 500 का आप लोग देख सकते हैं। और एलेक्सा 3200 तो भाई एकदम नया है और इसका बॉक्स भी रखा हुआ है। और आप लोग एक बार देख सकते हैं पीछे से बॉक्स का कंडीशन एकदम अच्छा है। और ये रहा भाई ये 12 इंच का बॉक्स है और इस बॉक्स में सिर्फ जाली भाई नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि जान ही रहे भाई बहुत हरैया के अंदर के हैं तो थोड़ा देहात एरिया पड़ जाता है इधर, तो यहाँ यही सब चलता है। और ये रहा ट्यूटर का बॉक्स, आप लोग देख सकते हैं ट्यूटर का बॉक्स आप लोग को दे देंगे, इसमें ट्यूटर लगा नहीं है। तो जिस भाई को लेना है बिल्कुल ले सकता है। और एक बार और फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में स्पीकर भाई, इसमें 92A लगा है इसमें, जो कि पेंजा का मॉडल 92A। और आप लोग देख सकते हैं यही सब है। तो भाई जिस भाई को खरीदना है बिल्कुल भाई से संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में आप लोग को नंबर मिल गया होगा तो आप लोग इनसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। लगते 3200 भाई एकदम न्यू है, खाली मशीन नहीं बेचेंगे भाई, नहीं हम ही ले लेते हैं, इतना कंडीशन में है। तो आप लोग देख सकते हैं, मिलते हैं एक और सेकंड हैंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।